तो फाइनली दोस्तों अब आ गए हैं माल गंगा और यहाँ पे लोग नहा रहे हैं, आप देख सकते हैं। बट यहाँ पे बहुत भीड़ है, हमें ऊपर जाना है और ऊपर जाने के लिए अभी हमारे पास टाइम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अरुण सिंह कुशवाहा, आर्मी लवर। मैं कर रहा हूँ भारत यात्रा। मेरी भारत यात्रा गई है उधमपुर में और मैं 2 दिन पहले था कश्मीर में, और कश्मीर में थोड़ी दिक्कत हो रही थी खाने की और लिफ्ट की, तो मैं चलाया वहाँ से और आज मैं उधमपुर आ गया हूँ। और अभी मैं कटरा जा रहा हूँ, यहाँ से लगभग 24 से 25 किलोमीटर कटरा यहाँ से बचा है। और यहाँ लगभग टिकट है 30 से 40 रुपए की और हमने टिकट ली नहीं है क्योंकि अभी काउंटर खुला नहीं है और ट्रेन भी आने वाली है। और आज हम जा रहे हैं माँ वैष्णो देवी के दरबार में। मैंने 10 दिन से नहाया नहीं है, नहाया इसलिए नहीं है कि मेरा प्रण था कि मैं नहीं नहाऊँगा, सीधे बाल गंगा में नहाऊँगा वैष्णो देवी। और वहाँ ठंडा पानी था तो वहाँ इसलिए नहीं आया, इतना ठंडा पानी था, हाथ डालो हाथ ही जम जाता था, तो थोड़ी दिक्कत थी, कहीं तबीयत ख़राब हो जाती। बट यहाँ पे गर्मी बहुत है, मैं ठंडी से आया हूँ तो गर्मी में थोड़ी दिक्कत हो रही है, शरीर को कंपोज करने में बहुत टाइम लगेगा। और कल मेरा पूरा दिन खपड़ी दर्द करता रहा तो दिक्कत हो गई, क्योंकि ठंडी से आओ गर्मी में आओ तो दिक्कत हो जाती है। और आज की यात्रा हम अपनी इन हसीन वादियों से शुरू कर रहे हैं, छोटी छोटी ट्रेन की पटरियों से। तो कितने अच्छे पौधे यहाँ पे लगे हैं, और बनी रहेगा पूरे वीडियो में कि आज आपको माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। चलो भाई, ट्रेन तो आ गई है, अब इसमें बैठते हैं, देखते हैं कहाँ पे खाली मिलेगी कहाँ पे भरी मिलेगी। वैसे पूरी ट्रेन जनरल है, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ सकते हैं, अगर टिकट भी नहीं है कोई टेंशन नहीं है। बट मैंने अभी मैंने टिकट कटवाई है, लगभग 30 रुपये की टिकट है। पहले टिकट नहीं थी लेकिन अब मैंने ले ली है क्योंकि लेना ज़रूरी था। और पता नहीं यार 500 रुपये आगे ले लेते हैं, मैंने ले ली। देखो ट्रेन रुक गई है, चल इस भीड़ कम होगी तभी तो चलेंगे। आइए आइए। हाँ जी दोस्तों, हम आ गए हैं कटरा, और कटरा में बहुत भीड़ है यार, देख रहे हो हर जगह भीड़ भीड़ है और सारे लोग दर्शन करने के लिए आए हैं। मुझे लगता है यहाँ दर्शन करने में बहुत टाइम लगेगा, देख रहे हो पूरा ट्रेन ही आता है यहाँ, बहुत भाई भीड़ आता है। चलो आज माँ ने हमें बुला लिया है और हमें अपने दरबार में बुलाया है। चलो अब चलते हैं, अब यहाँ से बाहर जाना है, अभी तो रेलवे स्टेशन पे हैं और अब यात्रा शुरू होती है आज से। और आज हमने लगभग 25 किलोमीटर की रेल से सफ़र किया बहुत दिन के बाद। और ओ भाई चलते चलते ना, एक तो गर्मी बहुत होती है इधर तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। चलो अब ट्रेन के बाहर, प्रेस के बाहर, रेलवे स्टेशन के बाहर निकलेंगे। देखो पूरी गाड़ी यहीं के लिए आई थी, पूरी गाड़ी खाली हो गई। भाई इतनी भीड़ है, पूछो नहीं, जय माता की। और ये ट्रेन है, इतनी भीड़ है यार, पूछो नहीं, दिमाग ख़राब है यहाँ तो। जय माता की। रेलवे स्टेशन है, इस टाइप का कुछ बनता है। यहाँ से आपको यहाँ से आना पड़ेगा, ये सीधे मेन रास्ता है, यहाँ पे पुलिस चौकी है और पूरा यहाँ पे पार्किंग बनाया है, आप पे पार्किंग लगा सकते हैं। और यहाँ पे देखो हेलीकॉप्टर भी जा रहे, जो कि माँ के दरबार से सीधे जाते हैं, जहाँ हेलीपैड बने वहाँ जाते हैं। आपको दिख रहा होगा, देखो वो जा रहा है, छोटा सा दिख रहा है, ये है रेलवे स्टेशन। और मैं अभी यहीं पे हूँ, बस अभी मैं जा रहा हूँ। भाई बहुत, मैंने कभी नहीं सोचा था आज मैं यहाँ आ जाऊँगा। चलो अब चलते हैं माँ वैष्णो की तरफ। भाई मैं पहुँचा हूँ कटरा, और इसी बीच में हमारी एक मुलाकात हुई यूपी के भाई से। कहाँ से हैं आप? गोरखपुर से हैं। और मैंने यहाँ चश्मा लिया, जो कि ये था, यही चश्मा मैंने लिया था, लद्दाख में लिया था, तो 150 रुपये का दिया था। और यही चश्मा लिया है, इन्होंने मुझे 80 रुपये का दिया है, 20 रुपये सौ में से 20 रुपये भी लौटा दिए हैं। तो भाई थैंक यू यार, चश्मे के बिना अधूरा है काम, पता है चश्मे, धूप लगती है और ऊपर से हवा चलती है ना, तो आँखों में दिक्कत आ जाती है, चश्मा लेना पड़ता है। चलो भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिल गया, आप यहाँ आइए, इनकी दुकान है, यहाँ पर प्रसाद आपको मिल जाए। तो फाइनली हम जा रहे हैं बाल गंगा, बाल गंगा में नहाएंगे। और हमने बाल गंगा के चक्कर में 10 दिन से नहाया नहीं है, तो अभी तो वहीं जा रहे हैं। देख रहे हो कितने लोगों ने यहाँ पे अपनी मन्नतें बांध रखी हैं,
और सभी लोगों की मैं तो कहता हूँ भगवान सभी मन लोगों की मन्नतें पूरी करे, माता वैष्णो देवी। फाइनली हम आ गए हैं पॉइंट नंबर एक, फर्स्ट नंबर गेट पे आ गए हैं। यहाँ से एंट्री होती है आपकी और ये जाती है नीचे वाला रास्ता, और यहाँ से आपकी एंट्री होगी, उसके बाद में आप जा सकते हो आगे। चलो अभी तो हम एंट्री कराने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ से आपकी एंट्री होगी, यहाँ पे चेकिंग पॉइंट है, और बस यहाँ की पुलिस वालों की बस मुझे यही बदतमीजी खराब लगती है, बदतमीजी बहुत करते हैं। ठीक है, पैसे वालों के लिए यहाँ पे कार्ड मिल जाएगा, लेकिन हम जैसे यात्री के लिए यहाँ पे कार्ड नहीं मिलेगा। हमें पता नहीं था कि कार्ड पीछे मिलता, बस स्टैंड पे एक पॉइंट बना रखा, वहाँ पे कार्ड लेके आगे उसके बाद में आपकी एंट्री होगी। तो अब हम जा रहे हैं कार्ड लेने, यानी कि 2 किलोमीटर और जाना पड़ेगा पीछे, तो हमें कार्ड मिलेगा, नहीं तो मिलेगा ही नहीं यार, बड़ा दिक्कत है। चलो देखते हैं, साले वो कार्ड को लेके रख लेंगे, जब भी आएंगे कार्ड मुझे बदलना नहीं पड़ेगा। देखो भाई, इतने यहाँ के ये नियम हैं, आपको फॉलो करने पड़ेंगे तब आपका कार्ड बनेगा, और हम इस टाइम पे आए हैं कार्ड बनवाने, और ये कार्ड यहाँ पे बनते हैं। आप देख सकते हैं बस स्टैंड पे आपको कार्ड बनने का यहाँ पे मिल जाएगा, आपको कार्ड बनवाएंगे तभी आगे अंदर जा सकते हैं। देखो मैं लाइन में लगाऊँ और थोड़ी देर में ये कार्ड बनवाऊँगा फिर जाऊँगा। चलो देखते वैसे जहाँ तक जल्दी हो जाएगा, ये सारे लोग कार्ड बनने के लाइन में लगे हैं, हम भी लगे हैं कुछ। चलो देखते हैं कब तक बनता है कार्ड। भाई यहाँ पे बनते हैं टोकन, आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्ड मिलेंगे आपको, और ये यहाँ पे बस स्टैंड, ये बस स्टैंड है, और यहाँ से हमें इधर से जाना है, और ये देख सकते हैं हमने भी कार्ड बनवाया है। ये कार्ड, इसके इस कार्ड के अलावा आप अंदर नहीं जा सकते हैं, कुछ भी कर लो आपको अंदर जाने नहीं देंगे, और इसके लिए मुझे 2 किलोमीटर वापस आना पड़ा है। देख सकते हो ये कार्ड, जब तक ये कार्ड नहीं होगा आप अंदर नहीं जा सकते हैं, दर्शन नहीं कर सकते हैं। और ये है, यहाँ पे कार्ड मिलता है, इसके अंदर जाओगे और यहीं पे बस स्टैंड है, बस स्टैंड के बिल्कुल पास में ही है। तो भाई चलो, कार्ड तो बनवा लिया है, अब चलते हैं। अब मुझे 2 किलोमीटर फिर जाना पड़ेगा वापस, क्योंकि बहुत यार इतना वजन लेके चलने में दिक्कत होती है। जितना आप आए थे फिर गए थे, फिर वापस आना पड़े। चलो अब नहाएंगे बाल गंगा पे, वहाँ पे लंगर करेंगे, भंडारा चल रहा होगा, भंडारा खाएंगे, उसके बाद में फिर चलेंगे ऊपर। चलो भाई चलते हैं। चेकिंग पॉइंट पे फिर से आए हैं, अब लेके आए हैं कार्ड, अब बिना कार्ड के यहाँ अंदर जाने नहीं देते हैं, आपको पता होगा। और ये रहा कार्ड, कार्ड के साथ ही अंदर हम जाएंगे, और यहाँ पे कार्ड नहीं मिलते, कार्ड मिलते हैं बस स्टैंड के पास में। तो जिसके पास वीडियो जाए वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि यहाँ आपको जो भी नया आता है ना, तो उसको पता नहीं होता कहाँ से क्या होता है, नहीं तो उसको यहाँ 2-3 घंटे ऐसे ही ख़राब हो जाते हैं। और देखो ये है, यहाँ से आपको एंट्री अंदर मिलेगी, यहाँ पे आपका कार्ड देखा जाएगा, उसके बाद ही आप जा सकते हो अंदर, और फिर आपको बाल गंगा पे आप नहाएंगे, उसके बाद आपकी आगे की आप चढ़ाई करेंगे। चलो भाई आगे देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं आज। देखो भाई यहाँ पे होता है गुलशन कुमार का भंडारा, ठीक है, और यहाँ पे इधर होता है भंडारा, और ये रास्ता गई है सीधे भंडारा के लिए, और फिर भंडारा खा के आप जाएंगे सीधे बाल गंगा। ये सीधे बाल गंगा गई है, भंडारा के लिए रास्ता गई है आगे। यहाँ तो मेरा तिरंगा भी उतरवा रहे थे, बट हमने बोला भाई हम तिरंगा नहीं उतारेंगे, और आप चाहे सारा कुछ ले रहे हैं हम, लेकिन तिरंगा नहीं उतारेंगे, तो तिरंगा को नहीं उतारा। तो चलो भाई अब आगे हैं, लंगर कर लेते हैं, भूख लगी बहुत, 12 बज गया, और खाना खाएंगे उसके बाद में चलेंगे बाल गंगा। चलो देखते हैं। देखो भाई ये है लंगर, ये गुलशन कुमार का लंगर चलता है यहाँ पे, गुलशन कुमार का लंगर चलता है यहाँ पे, और ये घोड़े के लिए रास्ता है, और यहाँ पे लिखा दो गुलशन जी का लंगर, वो लिखा दिख रहा है, और ये गई है बाहर जाने के लिए रास्ता, और ये गई है ऊपर जाने के लिए रास्ता, जो कि माता वैष्णो देवी के लिए। अभी तो हम ऊपर जा रहे हैं, फाइनली आ गए हैं बाल गंगा, जो माने बाल गंगा निकाली थी पानी पीने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग नहा रहे हैं, ये है बाल गंगा,
तो फाइनली दोस्तों अब आ गए हैं मालगंगा और यहाँ पे लोग नहा रहे हैं, आप देख सकते हैं। बट यहाँ पे बहुत भीड़ है, हमें ऊपर जाना है और ऊपर जाने के लिए अभी हमारे पास टाइम नहीं है, बस जाने वाले हैं, थोड़ी देर में जाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पे भी देखो लोग नहा रहे हैं, इधर भी, इधर लेडीज़ ज़्यादा नहा रही हैं और इधर जेंट्स नहा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी का हाल थोड़ा देखना पड़ता है ना। तो भाई अब चलते हैं ऊपर, चलो चलते हैं।